आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन फोर्थ में का सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। बच्चों, आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, जिसे कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। अब हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर यह सभी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन थर्ड एंगल, एग्जांपल फोर्थ, सब एग्जांपल टू। टू डिवाइड अ गिवन एंगल इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। हिंदी प्रश्न विभाग तीसरा कोण, उदाहरण चौथा, उसमें का सब उदाहरण दूसरा। दिए गए कोण के चार समान भाग बनाइए, इससे बनाइए। प्रश्न, किसी भी नाप का कोण निकालकर उसके समान चार भाग बनाइए, इससे बनाइए। मराठी प्रश्न, कोणत्याही मापाचा कोण काढून त्याचे चार समान भाग करा। इस प्रकार से तीन लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमने देखे हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कोई भी अंश का, कोई भी डिग्री का एक एंगल निकालना है, कोण करना है। उसके लिए मैंने उस कोण की जो बेस लाइन है उसे निकाला है, उसे नाम दिया है BC। इसका जो डिस्टेंस है वो हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है, अंदाज से लेना है। उसके बाद हमें B पर एक एंगल करना है, वो एंगल हमें एक्यूट एंगल करना है, यानी कि 90 डिग्री से कम वाला एंगल करना है, छोटे वाला एंगल करना है। यहाँ पर मैंने बी पॉइंट पर इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे मैच किया, ये लाइन को इस लाइन BC लाइन से मैच किया और मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 डिग्री वाला यहाँ पर एंगल कर रहा हूँ, उसका मार्किंग किया और उसके बाद इस पॉइंट को, बी पॉइंट को मैंने जोड़ा है। इस प्रकार से इसे नाम देना है A। यहाँ पर जिस डिग्री का मैंने एंगल बनाया है उसे यहाँ लिख रहा हूँ 80 डिग्री। उसके बाद इसके पहले वाला उदाहरण जो है ABC एंगल के हमने दो समान भाग बनाए थे, यहाँ पर हमें इस एंगल के चार भाग बनाने हैं, तो पहले दो भाग बनाने होंगे। इसके लिए हमें बी पॉइंट पर राउंडर कंपास रखकर एक अंदाज से या अप्रोक्सीमेटली कंपास में डिस्टेंस लेके एक आर्क निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें पॉइंट मिला, यहाँ पर हमें पॉइंट मिला, इस आर्क के हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेना है। यह डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेकर ऐसा एक आर्क बनाना है, दूसरा आर्क दूसरे वाले पॉइंट से बनाना है। इस प्रकार से दोनों आर्क जहाँ क्रॉस हो गए हैं वहाँ पर हमें एक बिंदु लेना है, उसे डार्क करना है, फाइनल करना है और बी पॉइंट और मिला हुआ पॉइंट इनको जोड़ना है। इस पॉइंट को नाम देना है P। ये ABC इस एंगल के दो समान भाग हो गए। अब इस दो के हमें चार भाग करना है, यहाँ आप XY भी नाम दे सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर हमें नाम देना है Z। अब हम क्या करेंगे, इस A, B और P इस एंगल के हम दो पार्ट बनाएंगे और PBC इस एंगल के दो पार्ट बनाएंगे। दो और दो हमें चार समान पार्ट एंगल के मिल जाएंगे। X पर हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर XZ
ये जो आर्क है इससे हब से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर एक आर्क बनाना है। यह डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है। इसी डिस्टेंस से यह डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, दूसरा आर्क उस पर बनाना है। यही कृति यहां पर करनी है, सेम कृति यहां पर होगी। उसके बाद दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहां पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को फिक्स करना है, डार्क करना है और मिले हुए पॉइंट और बी पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। बहुत ही आसान और सिंपल वाला एक क्वेश्चन है। इसे हमें नाम देना है क्यू और इसे नाम देना है आर। इस प्रकार से हमने एबीसी इस एंगल के चार समान पार्ट बनाए, चार समान हिस्से बनाए। ये समान हो गई कि नहीं, ये इक्वल हो गई कि नहीं, इसे हमें चेक करना है। तो इस प्रोटेक्टर को मैंने यहाँ पर केयरफुली रख कर, केयरफुली क्यों बोल रहा हूँ मैं, अपने इस सेंटर पॉइंट को बी से मैच नहीं किया और ये नीचे वाली बी सी लाइन को ये लाइन से मैच नहीं किया, तो आपके हिस्से समान नहीं हो सकते, इसलिए इसको केयरफुली लगाना जरूरी है। देखो हमने 80 डिग्री का यहाँ पर, 80 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाया था। पहला पार्ट हो गया 20, दूसरा 40, तीसरा 60, 60 और चौथा 80। ये उदाहरण हमारा बिल्कुल सही आ गया है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। इस उदाहरण का, इस क्वेश्चन का जो एंगल है उसे चेंज करना है, इस डिग्री को चेंज करना है। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री का एंगल करके आपको इस प्रकार के चार समान भाग करके देखना है। बच्चों आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।